तो दिलेन बेटा, सच्चा प्यार करते हो टप्पू से? ऑफ कोर्स करता हूँ। दिलेन, आप मेरे बारे में सीरियस है ना? हाँ डब्बू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ। हाय हाय डिलन बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो बेचारी डब्बू का दिल तोड़ दिया। तुम उसे सच्चा प्यार नहीं करते? वो लाइट डिटेक्टर मशीन ना डब्बा है, टोटली फेक। अभी तो रेड लाइट जली। नहीं, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब देखो तब फ्रेंड्स बुक। ऐसे मत बोलो माँ, फ्रेंड्स बुक की वजह से तुम्हें पता चलता है कि हमारे फ्रेंड्स की लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे फ्रेंड्स बुक की वजह से आपको पता चलता है कि अंजी दी की लाइफ में कनाडा में क्या चल रहा है। इस फ्रेंड्स बुक के जरिए तो मैं भी डिलन की जिंदगी के सारे पन्ने पढ़ सकती हूँ। शायद इससे ही मुझे कोई रास्ता मिल जाए। महिमा रस्तोगी, डिलन की एक्स गर्लफ्रेंड, अब मैं इसी के जरिए अपना अगला वार चलूंगी। क्या भाऊजी, हमें भी तो बताओ ना आपका इरादा क्या है। ये देखो यहाँ क्या लिखा है इसने अपने दोस्तों को। क्या? बाय बाय, सी यू एट कॉफी लैंड। इसका मतलब है 8 बजे ये इसी कॉफी शॉप में होगी। ये अच्छा मौका है डब्बू और डिलन के साथ कॉफी लैंड में कॉफी पीने का। डिलन, आपने चंडी को ऐसा क्या कहा जो अपने ख्यालों में खोई हुई ऐसी लॉस से यहाँ से गई? You know, मुझे किसी लड़की को कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। इतना चार्मिंग हूँ कि लड़कियाँ मुझसे मिलकर ही अपने ख्यालों में खो जाती, लॉस सी हो जाती। ओ, सिर्फ मिलकर? नहीं, कभी-कभार थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करना पड़ता है। फ्लर्ट? मैं अपनी बहनों को अच्छे से जानती हूँ। अगर आपने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो वो आपके स्वीट से फेस पे ना नाक की जगह मुंह कर देगी। नाक की जगह मुंह? हाउ क्यूट, आई थॉट इट्स वेरी क्यूट। एंड जो तुमने कहा वापस बोलो। मिस्टर डिलन शेखावत, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आपने किसी और के साथ फ्लर्ट किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। Once more, please, just once more. मैंने कहा अगर आपने किसी और के। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम जो बोल रही हो ना मुझे बहुत क्यूट साउंड कर रहा है, तो तुम्हें मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ सेम थिंग। मिस्टर डिलन शेखावत, आज दोपहर में रेडी रहिएगा, माँ के साथ हमें कहीं बाहर जाना है। इश्क की धुन रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। इतनी अच्छी ड्रेस तो मैंने डब्बू की सगाई में भी नहीं पहनी। पता नहीं ये मुझे सूट भी करेगी या नहीं। मुझे भी ऐसी ऐसी कोई चीज है जो आप पे सूट ना करे? मांगे तो जी, हो गया जो होना था। अब आप ये वाले गुलाब भी पकड़ो। कचरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम। ऐसा मैं सोच रहा था ऐसा ही आप दोनों की हाथ की रेखाएं बता रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अच्छा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है, और अगर तुम दिल से उसे अपने दोस्त से ज्यादा मानती तो अपने दिल की बात जाकर उसे कह दो। लेकिन प्राजी, आप हम उनको कुछ भी पता हो उससे पहले आपको वो सारी बातें बतानी होगी जो उन्हें नहीं पता। बड़ी गल है, आप ऐसे छुपा नहीं सकते प्राजी। लगता है वो टाइम आ गया, अब मुझे चंडी जी को सब कुछ सच सच बताना होगा। माता रानी की कृपा से वो लड़की महिमा यहाँ कहीं मिल जाए बस। माँ, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, ऐसे मेरा मन किया अच्छे से कॉफी शॉप में कॉफी पीने का। कॉफी? माँ आप कभी कॉफी नहीं पीते हो, आप चाय पीते हो। तो
अरे मैंने कहा ना मेरा मन किया। हाँ मैंने सोचा कि डिलन घर में बैठकर उब गया होगा तो उसे थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। पर माँ ये कैफे, आई मीन यहाँ पे बहुत यंग क्राउड नहीं है, दिस नॉट फॉर यू, कहीं और चलते हैं ना। लो कर लो बात, क्या मतलब है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जवान लोगों के साथ कॉफी भी नहीं पी सकती। नहीं मैम ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था, बैठो ना बैठो। अच्छा बताइए आप कौन सी कॉफी पीएंगे? वो वाली, आई विल हैव कॉफी लाटे। लाटे वो नहीं, लाटे वो है। हाँ हाँ लाटे। फॉर यू? लाटे। डिलन, ब्लूबेरी मफिन। यस श्योर। वो लड़की तो कहीं नहीं दिख रही, कहीं मेरा प्लान भी भूदेवी के प्लान की तरह फ्लॉप ना हो जाए। शायद मैं अपने पर्स यहां भूल गई। आई थिंक दिस इज योर पर्स। Everything? Doing good. आओ ना तो मैं किसी से मिलाता हूँ। Okay. Come. देख। ये महिमा है and she is. Let me guess. आपकी girlfriend? Hi. I'm Deepjani. Deepjani. Pretty name for a pretty girl. वैसे, you're very lucky. I am lucky. Actually, Dylan is a perfect gentleman. इसको तो अच्छी तरह से मालूम है हाउ टू पैम्पर गर्ल्स। एम आई राइट और एम आई टोटली राइट? यू आर टोटली राइट। वैसे तो ही इज मिस्टर परफेक्ट, बट फिर भी यू शुड टेक डाउन माई नंबर। मैं तुम्हें टिप्स दे सकती हूँ कि हाउ टू हैंडल मिस्टर शिकावत। हाँ हाँ डब्बू ले ले नंबर। आप? मैं ममता ठाकुर, देवजानी की माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। तो आई एम रनिंग लेट, मैं चलती हूँ। ओके, वेरी नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। सी यू। नाइस। एक्सक्यूज मी, आपने आपका नंबर नहीं दिया। माँ टिप्स देने के लिए? नो चीज, कंप्लीटली जोकिंग। अगर चाहिए हो तो डिलन से ले लीजिएगा। आपके पास अभी भी है रहा मेरा नंबर? ऑफ कोर्स हमारा नंबर है मेरे पास। ओके सी यू देन। ओके नाइस मीटिंग यू ऑल। Bye. Bye. लगता है काम हो गया, अब होगा इनके लिव इन रिलेशनशिप का दी एंड। आंटी देवजानी का? चली गई। रेस्टरूम गई? नहीं चली गई। अब उसने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ये सब देखने के लिए तो नहीं ली थी ना। मैंने आप दोनों को स्कूल में इसलिए बुलाया है क्योंकि आपके बच्चों की लड़ाई ने हमारे क्लास के सोलर सिस्टम के मॉडल को तोड़ दिया है। ये वही मॉडल है
जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाने वाला है, इसलिए इसको अभी के अभी जोड़ना होगा, वो भी आप दोनों को एक साथ। बाय गॉड, मैं क्यों सजा भुगतूं इनकी बेटी की बदतमीजी की? नहीं तो ठीक है ना, बनाते हैं ना प्रोजेक्ट, बनाते हैं हम लोग। ये प्रोजेक्ट बनाते बनाते आप मुझे मैनर्स भी सिखा दीजिएगा, ठीक है? हाँ चल ठीक है ईशु, मैं रखती हूँ फोन, हम बस पहुंच ही रहे। आंटी मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे और महिमा के बीच ना कुछ नहीं है, मैं तो इनफैक्ट उसे एक साल बाद मिल रहा हूँ, मैंने तो बीच में उसे देखा भी नहीं कहीं पर। आंटी देवजानी से मिलने से पहले मैं अलग था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी लिव इन पार्टनर तो डब्बू है ना, उसे बताओ। लेकिन आप उनकी मम्मी है ना, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, मैं सब समझती हूँ बेटा, पर क्या है ना देवजानी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसे, और वो ऐसे वक्त में किसी की सुनती नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बस दोस्त है ना, बड़े खुले दिमाग की है, बाहों में बाहें डालकर मिली। हाँ तो पुरानी आदतें यूं झट से थोड़ी ना जाती है। लेकिन मेरी चली गई है, पुरानी आदत है। डब्बू को कौन समझाएगा, कौन सा तुमने उस लड़की के साथ सगाई की थी? बिल्कुल मैं सीरियस नहीं था उसके साथ, मैं देवजानी के साथ सीरियस हूँ, उसे प्यार करता हूँ मैं। हाँ पर सगाई तो तुमने डब्बू के साथ भी नहीं की। और ये रहा आपका दुपट्टा, अब मैं इसे मैच करते हुए ना बैंगल्स भी सेट कर देती हूँ। क्या है जी? वैसे एक बात बताऊं, मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि आप भी ना ऐसे इंडियन ड्रेस पहन सकते हो। क्यों, अच्छी लग रही हूँ क्या? अच्छी? अरे बहुत बढ़िया लग रहे हो जी। वैसे आप ना बहुत खुश खुश भी लग रहे हो, कोई खास बात है जी? प्यार का मतलब सिर्फ प्यार होता है, और अगर तुम दिल से उसे अपने दोस्त से ज्यादा मानती हो, अपने दिल की बात जाकर उसे कह दो। हाँ बहुत खास। ये क्या है मिस्टर मलिक, आपने सेटिन का साइज ही छोटा कर दिया, इसमें फिट ही नहीं आ रहा है। ये रिंग का साइज नहीं, आपका सैटिन का साइज ही बहुत बड़ा है, इनफैक्ट ये तो जुपिटर से भी ज्यादा बड़ा है। वैसे एक बात बताऊं, ये बड़ी बात करने की जो आदत है ना, ये आपके बेटे की भी है। अरे क्या जरूरत थी उसको टीचर के सामने जाके सब कुछ बताने की, अपना काम छोड़ के अब मुझे ये काम करना पड़ रहा है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे बेटे ने कोई शिकायत नहीं की, उसने जो भी गलत देखा था उसने रिपोर्ट की, और मैंने उसे सिखाया है कि जब भी कुछ भी गलत काम देखो तुम बताओ। हाँ अपना मैं काम करो यार अपना। क्या हुआ? वो आदमी। कौन आदमी? जो मेरा पीछा करता है, मेरे बच्चों को भी लेकर चला गया था स्कूल से, वो आपके पीछे खड़ा है। रुक। हेलो विक्की साहब, वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। अबे उल्लू की धूम, अगर पकड़ा गया ना तू तो एक ढेला नहीं दूंगा तुझे, चल भाग वहां से, भाग। ऐसा मत कहिए सर, मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। रही बात मेरी तो मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं उनके हाथ नहीं लगने वाला। अरे घड़े अच्छे से कर रहा है तू, भाग, बातें मत कर, रख फोन, भाग वहां से। किससे बात कर रहा था? कौन है विक्की साहब? मेरे पति। बैंडी, बैंडी,
क्या नहीं हुआ अले तक? कमाल कर दिए तू पागल है? थले वेख सारे आ गए ने, जल्दी कर जल्दी, थले आ जल्दी से। प्राज जी क्यों है? मैं ना एक ही शर्त पे नीचे आऊंगी प्राज जी। उनकी शर्त? प्राज जी आप मुझसे वादा करो कि आप आज के आज ही ना चंद्रलेखा जी को सब कुछ बता दो। प्राज जी आपको पता है वो कितनी खुश है, और वो कह रही थी कि आज का दिन खास है, बहुत खास। राजी आप ना वादा करो कि वो आपसे कुछ कहे उसके पहले आप उसे अपने बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बता दो। राजी वादा करो। वादा। वो आदमी विक्की से वो अपनी बच्चों को डराने के लिए गुंडे भेज रहे हैं। ये गुंडा सोनू बनू को स्कूल से लेकर गया था मुझे डराने के लिए। देखो तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि ये कस्टडी बैटल्स जो होते हैं ये अक्सर अगली हो जाते हैं, लेकिन मैं हूं ना। मॉडल बना लिया आप दोनों ने? अब हाँ मैम, वो ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा। देवजानी, भाजी, क्या किया आपने? जो किया वो बहुत बुरा किया, पर अपनी बेटी के भलाई के लिए किया सच। अरे भाजी, भले के लिए किया तो भलाई किया ना, बुरा मत मानो उस बात को। देवजानी प्लीज दरवाजा खोलो। दिलन सर, बोलने की जरूरत नहीं था वहां। मुझे लगा था कि आप बदल गए और लोग जो आपके बारे में बोलते वो गलत है, पर पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसा तुम समझ रही हो वैसे बिल्कुल नहीं। मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया, अगर मेरे दिल में कुछ भी गलत होता तो क्या मैं ऐसे करता? मैं खुद चाहता था कि वो आके तुमसे मिले। मैं चाहता था कि उसे मालूम हो कि मेरी जिंदगी में एक स्वीट सी क्यूट सी लड़की, उसका नाम देवजा। प्लीज मेरी बात का यकीन करो देवजा। मुझे यकीन है आप पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स के टच में रहते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हारा डर दूर करने के लिए क्या करूं तुम मुझे बताओ। लड़की का नंबर इसी वक्त रेस कर देता हूं। पहुंची कहीं आप तो नहीं फिसल गई उसकी मीठी मीठी बातों में? भाजी, याद रखिएगा, ये ढिलन जैसे लड़के हैं ना, वो लड़कियों को ऐसे काबू में कर लेते हैं। अरे पहुंची, यही तो राज है इनके इतने सारे चक्करों का, समझी? इनकी जुबान है ना इतनी मीठी 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 होती है, लेकिन इनकी फितरत एकदम सांप जैसी होती है, कब डस जाए पता ही नहीं चलता। सारा दिन निकल गया, वो तो एक बार भी मेरे पास आके नहीं बैठा, पता नहीं मैं बात कैसे करूंगी। क्या दे कुछ हुआ? अब मैं इनको क्या जवाब दूं?
सो सॉरी जी, कार चाहे ना कम सी ना, टाइम ही नहीं मिला देखो चेंज करने का। आपने खाना खाया? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अच्छा लगा तुम्हारा आपसे तुम पे आना। वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी थी, इंपॉर्टेंट गर्ल सी थे। अगर मैं इन्हें अपनी बात बता दूंगा तो शायद इस्माइल को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे पता है तुम्हें क्या बोलना है। तुम्हें नहीं पता? हाँ मुझे पता है और मेरा जवाब हाँ है। तुम मुंह मीठा करो क्योंकि आई लाइक यू टू।